गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज पहला दिन है हमारा दोबारा से स्कूल खुलने का, तो इस संबंध में SOP मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इससे पहले भी पिछले साल भी हमारे नवंबर में स्कूल खुले थे, आप सब लोगों ने बड़े कुशलता से उनको भी संचालित किया है और मेरे ख्याल से सभी लोग इससे वाकिफ है कि भाई क्या हमको डूज और डोंट्स हैं। इसमें थोड़ी सी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं क्योंकि मौसम अभी जैसे गर्मी का है, यहाँ तो ऐसा ही रहता है, लेकिन नीचे के लिए थोड़े से नए इंस्ट्रक्शन हैं, वो यहाँ भी फॉलो किए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी हमने ये 9th to 12th स्टार्ट किया है और 16 तारीख से 6th to 8th का भी होने की संभावना आ गया है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, आप लोगों ने मुझे दिखाया भी है वीडियो की, स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और एंट्री पॉइंट पे बच्चों को हैंड सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग के उपरांत ही स्कूल में अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। और जहाँ भी हमारे हैंड ये है हमारे वॉशरूम, आप मास्क लगाओ माता जी, मास्क। तो वहाँ पे भी ये एंटीसेप्टिक लिक्विड हैंड वॉश रखने की बात की गई है, तो ये जरूर रखवा दीजिए। इसके अलावा पीने के पानी के लिए बोला गया है कि भाई ज़्यादा भीड़ ना हो इकट्ठी, और ये भी साफ सफाई आपका ये पॉइंट है शायद पीने के पानी का, बद्री जी कवर कर लीजिए पीने के पानी का पॉइंट भी आपका जी सुथरा है, ये आपका कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है सर, उसमें प्रॉपर पानी आते हैं, खोल के देखो सर मैं आ रहा पानी आ रहा है। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने वो ट्रेनिंग की थी? ठीक ठीक। स्कूल हेल्थ एम्बेसडर वाली? नहीं सर। आप लोगों के लिए नहीं हुई वो? तो कोई भी एक टीचर प्रिंसिपल मैम नामित कर देंगी, नोडल टीचर, जो कि उनकी ड्यूटी होगी नोडल अधिकारी की, जो सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे, और यदि कोई संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल उसकी सूचना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और हमें भी देंगे, ये नोडल अधिकारी की ड्यूटी होगी। तो वो नामित कर दीजिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का लिंक भी शेयर किया है, वो डिटेल आपसे हम मांग रहे हैं। उसके बाद ये तो सीओ के लिए है। अच्छा, आपके यहाँ तो ज़्यादा छात्र संख्या नहीं होगी, मैनेजेबल है सीटिंग अरेंजमेंट सबका? अगर आप लोगों को प्रतीत होता है हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, तो 2 पालियों में आप कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं, इसके लिए टाइमिंग भी बता दिया है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट है बिंदु नंबर 5, सहमति जरूर चाहिए गार्जियन की, तो 3 दिन का इसमें समय दिया गया है। जैसे आज स्कूल खुल गया, आज सभी बच्चों को बता दीजिए, हाँ बढ़िया, वो सब आप लोग उसको अपने पास रखिए, और किसी को भी ये लिखा गया है बात ये नहीं करना है। अगर कोई बच्चा कोई पेरेंट्स अभी भी सोचते हैं कि हमको नहीं आना, तो उनको घर से ही पढ़ाई करने की अनुमति देंगे, और उनके लिए हाइब्रिड मोड की बात की गई है कि जो कक्षा आप ले रहे हैं वो उन तक भी पहुंच जाए, चाहे तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, चाहे डायरेक्ट, कैसे भी जो व्यवस्था कर सकते हैं उपलब्ध संसाधनों से। तो ये भी बोला गया है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो रहे, घर पर रहकर ही कक्षा शिक्षण से जुड़ चुके, ये भी हमें इंश्योर करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि समस्त शिक्षक कर्मचारी समस्त छात्र छात्राओं को विधिमत मास्क पहनने के उपरांत ही विद्यालय कक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाए। अगर कोई बिना मास्क के आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास मास्क खरीद के रख लीजिए, उसको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होगा बच्चों का, कक्षा कक्ष में बैठक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सुनिश्चित कर ली जाए। इसमें देख लीजिए, अगर आप एक जो आपका फर्नीचर होगा, एक कोने में बैठे, एक कोने में बच्चा, इस तरीके से दोनों का देख लीजिए, मैं भी अभी देख ही लूँगा उसको भी। उसके बाद अगर जैसे छुट्टी का अगर आपका टाइमिंग है, तो फेज वाइज आप छोड़ सकते हैं, क्लास वाइज छोड़ सकते हैं, 5-10 मिनट का अंतराल करते हुए, ताकि आपके मेन गेट पे और बाहर भीड़ ना हो। और छुट्टी के बाद भी जो हमारे ऊपर चौकीदार रहेंगे गेट पे, वो बच्चों को फटाफट स्कैटर्ड करेंगे कि भाई यहाँ गेट पे कोई नहीं रुकेगा, चलते रहो अपना। हमारे सभी स्टाफ को वैक्सीन हो गया है, सभी ने कोई एक लगी है, ठीक है, उसको दो भी लगी।
तो अगर फिर भी किसी की नहीं एक भी नहीं लगी तो उसके लिए अनुरोध कर लीजिए, स्पेशल ऑर्डर्स हो चुके हैं कि भाई हमारे शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रायोरिटी पे ये भी काम किया जाना है। फर्स्ट टू फिफ्थ आपके यहाँ है नहीं तो ये आपके लिए नहीं है। पॉइंट नंबर 12, अभी जो है हमारे स्कूलों में प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेल, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य सामूहिक गतिविधियां जिनसे कि COVID-19 के संक्रमण का खतरा हो, कि अभी भी ये नियम है कि ट्यूशन फीस ही वो लोग लेंगे, भले ही स्कूल खुल गया है, क्योंकि अन्य एक्टिविटीज बंद है, स्पोर्ट्स बंद है, सब कुछ बंद है, तो उनके लिए ये नियम है कि भाई वो सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। भोजन माता जी है हमारी, आपके लिए निर्देश है जिस तरीके से अभी हम ट्राई राशन दे रहे हैं ना वही देना है बच्चों को, खाना नहीं बनेगा, किंतु आप उपस्थित रहेंगी स्कूल में, आप इधर आ स्कूल स्टाफ की मदद करेंगी छात्र छात्राओं को सैनिटाइजेशन करने में, और जो भी आपको अन्य कार्य सौंपा जाएगा विद्यालय अवधि में आप यहीं रहेंगी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि कोई भी बच्चा घर से लंच बॉक्स या खाने पीने की चीज स्कूल में नहीं लाएगा, तो बच्चों को हम गाँव से आते हैं, हमारे बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, तो थोड़ा उनके लिए हो सकती है दिक्कत हो, लेकिन बोल दीजिएगा कि भाई ये नियम है, आप खा पी के आओ और फिर छुट्टी, अभी तो 4 ही घंटे की क्लासेज है तो उसके बाद वो अपना बाजार में खा सकते हैं या कर लेंगे व्यवस्था। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कक्षा 9 से 12 की कक्षाएँ सामान्यतः 4 घंटे और 6 से 8 की 3 घंटे संचालित की जाए, तो ये भी आप अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। पाली का सिस्टम अगर होगा तो वो भी इन्होंने लिखा है शासनादेश में। अच्छा, आपके जो स्कूल है सोमवार से शुक्रवार तक ही चलेंगे, सैटरडे संडे में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग होगा। एक और नया इंस्ट्रक्शन ये आया है कि छात्र छात्राओं को विद्यालय अवधि में फुल बाजू के पैंट शर्ट और गर्ल्स के लिए सलवार कमीज पहनकर आना है, वो थोड़ा डेंगू और मलेरिया का के लिए भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो ये इंस्ट्रक्शन थी और आप सब लोग तो सभी अनुभवी लोग हैं, तो मेरे साथ और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, एनी डाउट यू मे हैव। और बाकी कोई भी ऐसी कंटिजेंसी आपके सामने आती है, कोई आपातकालीन स्थिति, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को बताइए, हमें बताइए, फिर उसका मिलकर निराकरण कर लीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, और बिल्कुल सही तरीके से विद्यालय संचालन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।